लिखकर। सुबह 5 बजे हम मनाली से रोहतांग पास के लिए अल्टो कार में निकले, जो हमें 3500 रुपीज़ का पड़ा। पीक सीजन में अपनी बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ के कैब ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। कार का रेंट 6500 तक भी हो सकता है और ट्रैवलर पर पर्सन 1500 रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं। हम 4 लोग थे और हमें 3500 रुपीज़ में ये अल्टो कार मिल गया था बुक करने को, तो हमने वो कर लिया विथ परमिशन। जैसे कि आप जानते हैं, पीक सीजन में रोहतांग पास बर्फ़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस वजह से हमें ड्राइवर ने 4:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन हमें थोड़ा बहुत लेट होते होते 5 बजे निकले। रास्ते में पहला स्टॉप स्नो सूट रेंटल शॉप पे हुआ, जहां ड्राइवर ने इंसिस्ट किया कि हम सूट वहीं से रेंट पे ले। यहां 250 रुपीज़ में शूज़ के साथ स्नो सूट रेंट पे मिल जाता है। अगर अच्छा क्लीन और पसंद के कलर में मिल रहा है तो आप ले लो, वरना कोई भी जगह से आप ले सकते हैं, और भी जगह पर आपको ये सूट मिल जाएगा। मैंने इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो जरूर देखें। स्नो सूट रेंट पे आपको रोहतांग पास में भी मिल जाता है, कोई ऐसा खास इशू नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए गुलाबा, ये देख लो पीछे, और यहाँ पे हमारे ऊपर जाने के लिए, रोहतांग जाने के लिए पासेज की चेकिंग होती है। ठीक है, पासेज की चेकिंग करवाओ, फिर ऊपर आप जाओ। ये देखो चारों साइड का नज़ारा, कितना मजेदार है ना। लाइका तो मनाली से रोहतांग पास का डिस्टेंस तकरीबन 50 किलोमीटर का है। रास्ते में गुलाबा एक जगह आता है जहां आपको अपनी कार की व्हीकल का परमिशन चेक करवाना होता है। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही परमिशन ले लेना है। एंड यस, बाइक या स्कूटी रोहतांग पास तक नहीं जाता है, तो या तो आपको रेंटल कार लेना होगा, या फिर आपको ट्रैवलर में जाना होगा, या फिर आप अपनी व्हीकल लेके जा सकते हैं। हमें रोहतांग पास जाने से पहले आपको बीच में पड़ता है मढ़ी। अब या फिर यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके भी आगे जा सकते हो, या फिर रोहतांग में जाके के भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पे अभी कॉफ़ी और आलू पराठा, आलू प्याज पराठा ट्राई कर रहे हैं, साथ में अमूल बटर। ठीक है, चाय अच्छी है नो डाउट, और पराठा आता है उसके बाद में देखते हैं कि कैसी रहती है, फिर इसके बाद में चलेंगे रोहतांग। हम सुबह निकले हुए हैं 4:43 के, और अभी टाइम हो गया है 7:50। 7:50 में हम यहाँ पे मढ़ी पहुँचे हैं। जाम अच्छा खासा था, और एक आता है गुलाब समथिंग करके है, मैं नाम लिख दूंगा, वहाँ पे परमिट चेक होता है, वो जगह अच्छी है। वहाँ परमिट चेकिंग के बाद में यहाँ ऊपर आएंगे, और ये जगह है। अगर आपके स्किल नहीं है बहुत अच्छी ड्राइविंग का, तो लोकल ड्राइवर ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। गुलाबा में परमिशन चेक करवाने के बाद थोड़े बहुत ट्रैफिक झेल करके हम पहुंच जाते हैं मढ़ी, जहां से बस 15 किलोमीटर रहता है रोहतांग पास। एंड यस, ठंड यहां से स्टार्ट हो चुका था। यहां पे हमने एकदम गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी पिया विथ गर्मा गर्म पराठे ब्रेकफास्ट में, ड्राइवर ने भी अपना ब्रेकफास्ट किया। एंड देन उसके बाद में हम वहां से निकल पड़ते हैं अपने रोहतांग पास के लिए। रास्ते का मंजर, पहाड़ और ये हवा एक अलग ही सुकून देता है। स्नो देखने की तलब तो बचपन से थी, और हम सब अभी पहली बार स्नो देखने जा रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट जो है ना, वो अलग ही लेवल का था। 9:30 के करीब करीब हम रोहतांग पास के बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं, जहां से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया था। एंड यस, ट्रैफिक को हम निकलते निकलते 10:10 तक हम रोहतांग पास के एकदम टॉप पीक पे पहुंच गए, जहां से हमें दोनों तरफ 5-5 फीट की स्नो देखना स्टार्ट हो गया था। एंड यस, हम लोगों की मस्ती वहीं से शुरू हो गया, भले ही ड्राइवर थोड़ा बहुत कार को धीरे धीरे करके ले जा रहा था, और हम लोग कार से निकल करके मस्ती करने स्टार्ट कर चुके थे। कुछ लोगों ने स्नो सूट रेंट नहीं लिया था, लेकिन वहाँ जाकर रियलाइज हुआ कि हमारे गर्म कपड़े भी गीले हो जाएंगे, इस वजह से वहाँ जाके हम स्नो सूट रेंट पे लिए। सेम प्राइस 250 रुपये में हमें वहाँ पे भी स्नो सूट रेंट पे मिल गया है। एंड यस, वहाँ याक राइडिंग होती है, स्नो बाइकिंग होती है, स्नो बाइक राइडिंग होती है, एंड काफ़ी सारे और भी स्नो गेम्स होते हैं, लाइक स्लाइडिंग, स्नो स्कीइंग, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी गेम नहीं खेलनी है, अगर आपका अपना ग्रुप है, तो आप अपने ग्रुप में भी मजे कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने वहाँ स्नोबॉल एक दूसरे को फेंक करके मारा, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड किया, इधर उधर घूमे, वीडियो बनाया, ये सारी चीज़ करते करते हमने वहाँ पे करीब करीब 2-3 घंटे तक बिता दिए थे। तो भाई लोग, हम आ गए रोहतांग पास के एकदम बिल्कुल सट के। ठीक है, देखो ठंड तो है नो डाउट, मज़ेदार ठंड है। ऐसे दिल्ली में जैसे दिसंबर में ठंड रहती है, वैसे यहाँ पर भी ठंड लग रही है। ओके, और बर्फ़ हमारे आजू बाजू में बर्फ़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, बर्फ़
वैसे फिल्मों में जैसा दिखाता है वैसा असल में बर्फ नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत गंदा सा लग रहा है, उस पर धूल मिट्टी भी पड़ा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं एकदम ताज़ी ताज़ी बर्फ़ देखने के लिए। आने का मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, टू वी क्लियर। देखो भाई, आपको आना है मनाली, मनाली से आपको लेना है, सिंगल सोलो हो तो ट्रैवलर वगैरह, अगर थोड़े ग्रुप में हो तो आप जो है सो गाड़ी वगैरह कर सकते हैं, लाइक ऑल्टो या डिजायर कुछ भी, और वो आपको रोहतांग पहुंचा देंगे और उसमें आपके परमिशन इंक्लूड रहेंगी। ठीक, ये देख रहे हो, इधर देखो, इधर भी बर्फ़ है बगल में। ओके, हम तीनों ही जा रहे हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ, जैकेट वैकेट थोड़ा गरम गरम चीज़ें लेके आओ। ओके, और भैया का नंबर हम दे देंगे तुम्हें वीडियो के नीचे, कॉल कर लेना अगर थोड़ा सस्ता सस्ता बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको मनाली माल रोड के आसपास। और रहने का भाई रखना है तो मनाली ओल्ड मनाली में रहो तो बेटर है। ओए ओए यार, ये क्या चीज़ था, पिघली भी बर्फ। हाँ ठीक है, तो बस आगे का कार्यक्रम रोहतांग में बताते हैं आपको। तो भाई हम आ गए रोहतांग पास, और फिलहाल वैसे तो आगे जाम है और पीछे भी जाम है, देख रहे हो बगल में बर्फ काट काट करके रोडे बनाएगी। देख लो भाई, हम उतने से भी हाइट में ज़्यादा लंबी है। वैसे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, ऊपर से धूप है और हवा ठंडा है यहाँ पे। ठीक है, और यस दिस वन इज ओके। सो और क्या बताऊँ आपको भाई, अभी जाएंगे एक्टिविटी वगैरह देखते हैं क्या क्या सब एक्टिविटी होती है, कितना मज़ा आता है, फिर आएगा मज़ा। मस्त जगह है भाई रोहतांग पास मनाली के अंदर, ठंड है वैसे। हेलो गाइज, ये रोहतांग पास नहीं भैया, हम पे है ऑलरेडी ये रात, इधर DSLR भी है। कोई नहीं, ओए आजा, क्या हुआ लौंडे का चल गया। क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जब स्नो पे अगर आप फिसलते हैं या फिर गिरते हैं तो उस केस में आपको चोट भी लग सकती है, ठंड के वजह से चोट का जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन यस बाद में आपको वो दर्द भी दे सकता है, ऐसा ध्यान रखें। क्योंकि हमारे ग्रुप में एक बंदे को हल्का सा हाथ में लग गया था जब वो फिसल रहा था, एंड बाद में वो चीज़ दर्द काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, एंड यस हमने वहाँ पर 2-3 घंटे और टाइम स्पेंड किया, कुछ वहाँ पर मैगी खाए, वहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, ऑमलेट मिलेगा, मैगी मिलेगा, एंड कुछ और भी जो पहाड़ी चीज़ें होती है वो मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ करते करते हम वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद में हमारे ड्राइवर थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि जाते टाइम पे मनाली के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहिए। जब आप वहाँ से वापस आएंगे दूसरे रास्ते, तो आपको रास्ते में एक कोक्सर जगह मिलेगा, सोलंग वैली पड़ता है, एंड यस आपको वाटरफॉल भी मिलेगा। अब ये आपकी कॉल है, अगर आप ज़्यादा थके हुए नहीं हैं तो आप वाटरफॉल में भी थोड़ा बहुत मज़े कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा रोहतांग का सारा कुछ हो गया कम्प्लीट, और यहाँ से हम रोहतांग से निकल चुके हैं, टाइम हो गया 1:35। और एक और चीज़ है, ऑस्मो एक्शन 4 की सिंगल बैटरी पे भाई पूरी हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जो इंडियोरा बैटरी इसकी, जो बोलते हैं कोल्ड कंडीशन में भी काफ़ी देर तक, मतलब 1 आवर 20 मिनट की रिकॉर्ड टाइम ये दे देता है काफ़ी अच्छे से, और पूरी वीडियो हमारी एक बैटरी से निकल गई। अब जब मैं जा रहा हूँ तब मैंने इसकी बैटरी चेंज करी है, इवन तक आप पावर बैंक से इसको चार्ज भी लगा सकते हैं, तो इस मामले में भी काफ़ी अच्छा है। और ये देख सकते हो थोड़ी बहुत बर्फ़ यहाँ पे साइड में बची हुई है, और अब जा रहे हैं हम कोक्सर से, कोक्सर होके अटल टनल निकलेंगे।
सोलंग वैली में भी काफ़ी सारी एक्टिविटी होती है। हमने सोलंग वैली की एक्टिविटी का एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। एंड कोकसर भी काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे एक ब्रिज है एंड वो नदी बहती है, काफ़ी अच्छा प्यारा जगह है, वहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड यस, ये सारी चीज़ करते करते हम फाइनली 5 बजे तक मनाली आ गए। एंड मनाली आते आते हमारी जो है सो हालत एकदम ख़राब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में भी हम फंस के आए थे एंड सारे के सारे जने वहाँ पे थक गए थे। बट रोहतांग पास का ये सफ़र सच में यादगार रहा। स्नो के मजे, पहाड़ों का सुकून और एडवेंचर का ये अनोखा तजुर्बा हमेशा हमारे दिलों और यादों में बस गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल, सेफ जर्नी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड वंदे मातरम।